तो गाइस यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि मेरा भाई खाना खा रहा है। अमन यहाँ पर अमन अपना जू निकाल रहा है। गाइस यहाँ पर मेरे मूर्ख चंद भाई ने अपना फोड़ लिया है सर। खुरापंती कर रहा था और करते करते गिरा, अब फोड़ के सर रो रहा है। मम्मी बन गया? हाँ बस बनने वाला है। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सो गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। सुबह के नाश्ते के लिए सबको भूख लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए आ गई। और इधर मैंने चाय बना दी है, सब चाय मट्ठी और बिस्किट खाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि खाना चढ़ाना था और बर्तन धुलानी था, इसलिए मैं फिर आ गई बर्तन धोने के लिए। और बर्तन जब मेरा धुल गया, उसके बाद फिर मैं इधर आ गई चावल धोने के लिए। चावल चढ़ाना था, इसलिए फिर मैं यहाँ पे चावल धो के यहाँ पे प्याज छीलने के लिए आ गई। प्याज जो है सब्जी बनाने के लिए छील रही थी मैं, और मम्मी इधर से वीडियो बना रही थी मेरा। और प्याज छीलने के बाद फिर मुझे छत धोना था, इसलिए मैं छत पे आ गई थी इधर। और मैंने छत धो लिया था, जीना धोना बाकी था मेरा। और फिर मैं यहाँ पे छत धो रही थी। और कल से जो है, कल 1 जुलाई है, और कल हम सबका, तीनों भाई बहन का स्कूल खुल जाएगा, तो कल से हम स्कूल जाएंगे। इसलिए मैंने बैग भी धो लिया था, क्योंकि बैग बहुत गंदे हो गए थे 2 महीने से घर पे रखे, तो इसलिए मैंने इधर बैग भी धो लिया और छत भी धो लिया था। और फिर छत पे जो थोड़ा सा पानी लगा हुआ था, उसको मैं फिर धो रही थी, और मम्मी इधर से बना रही थी वीडियो। और छत पे जो है देख सकते हैं, मेरा छत जो है, मैंने कपड़ा वपड़ा धो के मैंने छत पे सुखा रखा था। और फिर कल स्कूल जाके देखते हैं स्कूल में कितना मज़ा आएगा, मतलब कितनी अच्छी पढ़ाई होगी। और यहाँ पे मेरा गधा भाई, उसको कोई काम धंधा नहीं था तो इधर आ गया था। और नीचे मम्मी बना रही थी खाना, और मम्मी यहाँ पे बना रही थी साग। इस साग को जो है पानी में रखते हैं, तो नारी का साग कहते हैं इसे। और इसे जो है पानी में रखते हैं। और इधर चावल भी मम्मी ने चढ़ा दिया था, और जो है इसे बेसन में लपेट के फिर मम्मी ने कढ़ाई में तला था। और तलने के बाद फिर जो है ये देख सकते हैं, और ये साग जो पानी में, खेतों में ज़्यादातर पानी में मिलेगा आपको। और फिर बेसन में लपेट के अगर इसको बनाना है आपको, तो बहुत अच्छी लगती है ये साग खाने में। और फिर जब इसका तरी तैयार हो गया, तो मम्मी ने इसके अंदर साग डाल दिया था। और फिर मेरे को ये साग बनाना तो आता नहीं, इसलिए मम्मी बना रही थी ये साग। और मम्मी इधर आ गई थी बेड ठीक करने, तो देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी बेड ठीक कर रही हैं। और उसके बाद फिर ये देख सकते हैं मेरा पूरा बेड ठीक हो गया, तो लगभग मेरे घर का सारा काम हो गया था। तो फाइनली गाइस मैं नहा के यहाँ पे आ चुकी हूँ, और मैंने अभी तक खाना खाया नहीं है। मैं अभी जाऊँगी खाना खाने थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अभी जो है, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ उसका कैमरा थोड़ा डल है, मतलब थोड़ा सा ख़राब है, तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है बैक कैमरे की। तो इसलिए मैं फ्रंट से वीडियो बनाती हूँ। और अगर वीडियो आप अच्छा नहीं बन पा रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। पर मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। मम्मी 2-3 दिन में सोच रही है न्यू मोबाइल लेने की, तो उससे फिर जब न्यू मोबाइल आ जाएगा 2-3 दिन में, तो हम आपको फिर अच्छी अच्छी वीडियो बना कर दिखाएंगे। और उसके बाद फिर जब हम आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो दिखाएंगे, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अभी भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और वॉच कीजिएगा मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो, तो फेसबुक पेज की आईडी है मेरी आशा की किचन, और वहाँ पे सर्च मार के जाइएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फुल सपोर्ट कीजिएगा। मुझे रिक्वेस्ट है आप सबसे, थैंक यू। वॉच कीजिएगा वीडियो।